Hi guys, welcome back to my channel. It's me Ananya. Hope you guys are doing absolutely fine, good and better. So, मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पे शूट करूंगी, बट फॉर सम रीजन आई थॉट लेट जस्ट मेक इट. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सो आज मैं थोड़ा सा मेकअप करने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर एंड मेरे पास अभी काफी ज्यादा टाइम है. सो आई थॉट कि चलो चिट चैट भी हो ही जाएगी थोड़ी सी. यू गाइज ऑल्सो लेट मी नो कि आपको किस टाइप की वीडियोज चाहिए एंड ऑल दैट. सो आई थॉट कि थोड़ा सा गेट टू नो मी हो जाए. वैसे तो आई नो कि यू पीपल डोंट वॉन्ट, मतलब 3 सब्सक्राइबर्स में वाई एम आई डूइंग दिस. आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ थिंकिंग दिस कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, लाइक 300 सब्सक्राइबर्स. बट 300 सब्सक्राइबर्स मीन्स अ लॉट टू मी. लाइक फॉर मेनी पीपल ऐसा लगेगा कि यार 300 ही तो है, 300 इंसान के लाइक्स आ जाते हैं. बट मेरे लिए लाइक देर इज नो, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे नो वन नोज मी एंड इफ दे आर सब्सक्राइबिंग मी जस्ट बिकॉज टू नो मी कि मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि मैं कहाँ रहती हूँ. सो आई लिव इन भोपाल. पिछले 4 साल से तो मैं यहीं हूँ. एक्चुअली मैं पहले यहाँ नहीं रहती थी, बट फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स मैं यहीं हूँ, लाइक फ्रॉम 9th क्लास एंड अभी मैं 12th में हूँ. 10th का परसेंटेज तो आई स्कोर्ड 87%. बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस टाइम पे कि आई वॉज़ नॉट एबल टू स्टडी. लास्ट के 1 महीने मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, जस्ट बिकॉज मेरा 87 आया, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट बैड. मुझे उस टाइम पे भी 90% एवब चाहिए था, लाइक 95 एंड इतना, बट कुछ चीज़ें हो जाती, जस्ट इग्नोर दोज थिंग्स. सो मेरा फिर बहुत ज़्यादा लो चला गया स्कोर. ओके, इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हुए, जस्ट बिकॉज ना तो मैं इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा हूँ कि लोग मुझे जानते हो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ऐसा कुछ तो मैं इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ. एंड यूट्यूब पे मैं पहले वीडियो बनाती थी, मतलब मेरा एक और चैनल था विच इज़ अन्नी करके कुछ था ऐसा, फिर मैंने वो हटा दिया. मैंने वो चैनल 10th में स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पे एंड उसका भी अच्छा खासा ग्रोथ था. आई वॉज हैविंग लाइक 200 सब्सक्राइबर्स एट दैट टाइम. बट वो क्या, सब्सक्राइबर्स ना ऐसे स्टेटस पे लिंक डाल देते हम लोग या फिर ऐसे, तो फिर सबको ऐसे पता चल गया था कि वो मेरा चैनल है. तो मोस्टली मेरे भाई के फ्रेंड्स ही थे उस पर एंड थोड़े बहुत बाहर के लोगों ने. सो आई वॉज लाइक कि मुझे बहुत ऐसा फील होता था कि मुझे जज करेंगे. सो मैंने 10-15-20 वीडियोज़ बनाने के बाद हटा दिया एंड वो चैनल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था. वो चैनल फनी कॉन्टेंट में डालती थी उस टाइम पर, बहुत ज़्यादा फनी, लाइक भूत नहीं, कुछ भी बना के पता नहीं क्या क्या डालती थी, बट बहुत हंसी आती थी, लाइक ओके. सो बट मैंने वो चैनल हटा दिया जस्ट बिकॉज मुझे लगता था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल दैट. और ये जो मेरा चैनल है, ये सिर्फ मेरे भाई को और मेरे 2-4 फ्रेंड्स को पता है, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता है. एंड मैं नहीं चाहती हूँ पता चले, बिकॉज यस अदरवाइज मुझे फिर से वो एक काइंड ऑफ फियर आ जाएगा कि वो मुझे जज करेंगे कि मैं क्या कॉन्टेंट डालती हूँ, ये क्रिंज है या फिर कुछ भी ऐसा. एंड आई फील कि ये सोचना बहुत गंदी चीज़ है कि कोई क्या सोचेगा, बट मेरे अंदर वो चीज़ है. सो मैं उसको ओवरकम अभी तो नहीं कर पाई हूँ, बट मैं जिस दिन कर लूँगी उस दिन आई विल टेल यू गाइस. ओके, सो मैं अगर अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, सो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है मेकअप वीडियोज़ बनाने में. लाइक मेरा शुरू से एक मोटो, मतलब शुरू से ही जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मुझे ऐसा था कि मुझे यूट्यूब पे सिर्फ मेकअप वीडियोज़ डालने. बट मुझे फिर समझ आया कि भाई मेकअप वीडियोज़ के लिए मुझे अलग से टाइम चाहिए पड़ेगा और मेरे पास अलग से टाइम नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं 12th में हूँ अभी और ये क्रूशियल टाइम चल रहा है. लाइक 10th से तो एकदम ऐसे बोलते हैं कि नहीं, पढ़ाई पे ही फोकस करना है, तो कुछ और कर ही नहीं पाता. तो मैंने सोचा नहीं, अभी मेकअप वीडियोज एंड कुछ भी ऐसा फनी कंटेंट बनाने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है. सो आई थॉट कि जो मैं दिन भर में करती हूँ वही शेयर करूँ. सो दैट्स द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस स्टडी कंटेंट. सो या दैट्स दैट. आई नो इस वीडियो पे ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे बिकॉज व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन माई लाइफ, लाइक हु एम आई, ठीक है. बट इस वाले थॉट को भी मैं हटाना चाहती हूँ, शायद इस पे व्यूज चले जाए, शायद ना जाए. लाइक यूट्यूब पे व्यूज जाना इज लाइक कि लक, किस दिन कैसा काम कर गया, वैसा टाइप का मुझे ऐसा लगता है. एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, छोटे क्रिएटर का बोलो या फिर बड़े क्रिएटर का बोलो या फिर किसी भी क्रिएटर का बोलो, इज डिफिकल्ट. लाइक मैनेजिंग टाइम, अगर आप फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो आपको पता है दिस इज योर जॉब. लाइक ओके,
बट इफ यू आर नॉट अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर और आप साइड में कर रहे हो तो मेहनत उतनी ही लगती है, चाहे फिर वो बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो या फिर अपन जैसे हो, तो मेहनत उतनी ही लगती है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बस वीडियो बनाया कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं हो पाता है। सो टाइम तो उतना ही जाता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि मैं अपनी मम्मा के साथ नहीं रहती हूँ। इस चीज का रीजन फिर कभी आगे वीडियोज में बताऊंगी, बट आई डोंट लिव विद माई मॉम। मतलब वो आती जाती रहती है, जस्ट अभी आई है शिवरात्रि के लिए 2-3 दिन के लिए। बट यस, एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ, मुझे मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करना पसंद है। लाइक एक वीडियो मैंने डाला था, मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी आई बटन पे, कि उस वीडियो में मैंने 5 दिन ट्राई किया था ट्राइंग टू बी लाइक पॉजिटिव समथिंग, ऐसा कुछ। सो मुझे वैसा कंटेंट बनाना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इफ यू गाइज वॉन्ट उस टाइप के मोर वीडियोज टू डू लेट मी नो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा बनाने में भी। आई एम काइंड ऑफ यू नो, वैसे तो मैं बहुत जॉली टाइप की नेचर की हूँ, बट मैं जब अकेले में रहती हूँ सो आई फील कि मैं अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर करूँ। मुझे पता होना चाहिए कि हु एम आई, ऐसा कुछ। हु एम आई इज लाइक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। हु एम आई एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, टू बी वेरी ट्रू। लाइक मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ। मैं जब वीडियोस बनाती हूँ तो मैं अपना इतना बड़ा टीका हटा के आती हूँ, अदरवाइज मेरे माथे पे वो हमेशा इतना बड़ा टीका रहता ही है। ओके सो ब्लश हो चुका है, मुझे डेली टाइप का मेकअप करना है, ऐसा नहीं दिखाना है कि मैं मेकअप की हूँ। सो यस, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, जिसको भी ना पता हो, कोई नया हो मेरे चैनल पे, तो मैंने 12th में ह्यूमैनिटीज ऑप्ट की है। हाँ एक चीज और, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक नॉट इन फाइनेंशियल टर्म्स बट हर काम में। लाइक वैसे तो हम हर टाइम किसी ना किसी से हेल्प लेनी पड़ती है हर चीज में, बट मुझे लगता है एक लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत अच्छी चीज है और होना भी चाहिए आई फील। एंड इफ यू आर गर्ल और आप देख रहे हो वीडियो, तो मैं आपको भी बोलूंगी अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपने ऊपर फोकस करो जितना ज्यादा कर सको, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप अपने आप को जानोगे उतना ज्यादा आप लाइफ पे फोकस कर पाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट आपके लिए। सो यस, जिसके भी अभी बोझ चल रहे हो, ये वीडियो देख रहा है कोई, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैंने काफी सारे अपने फ्रेंड्स से सुन रखा है कि उनका 8 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का इंग्लिश का एग्जाम छूटा है, मोस्टली लास्ट लास्ट वाला, और किसी का आर्टिकल छूटा है, ऐसा वैसा। तो मैं एक चीज बोलूंगी कि उस एग्जाम को अभी छोड़ो। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, वो भाई 20 दिन से उसी टेंशन में, तो उस चीज को छोड़ो, आप आगे बढ़ो। जो भी आगे का पेपर है उसमें ट्राई करो वो चीज को कवर करने का, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। कि पास्ट की जगह हम थोड़ा सा प्रेजेंट में फोकस करते हैं कि हमें क्या करना है, ऐसा। एंड मैं अपनी एज भी बता देती हूँ, सो आई एम 18 दिस ईयर। लाइक मैंने एक शॉर्ट भी डाला था कि 18th बर्थडे करके, सो आई एम 18 दिस ईयर। इट्स टाइम फॉर द मस्कारा। पिछले 1 साल से मैं ये मार्स का ही मस्कारा यूज कर रही हूँ, एंड आई एम इन लव विद दिस मस्कारा। मतलब ये मार्स का बहुत ज्यादा अच्छा है। सो मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है कैमरे से बात करना, क्योंकि मैं वैसे तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट कुछ जगहों पर मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। सो मैं अपने आप को एम्बीवर्ट की कैटेगरी में डालना चाहूंगी। पहले मैं बहुत ऐसा एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट थी, मतलब हर कहीं बोलना शुरू कर सकती थी एंड हर कहीं, बट अब धीरे धीरे पता नहीं क्या हो गया, आई एम काइंड ऑफ बिकमिंग चॉइसी, मूडी, सिलेक्टिव, जो भी कह लो, वैसा टाइप का कि मैं हर कहीं नहीं उठ बैठ सकती हूँ, मुझे सोचना पड़ता है। आई डोंट नो व्हाई, बट काइंड ऑफ एक इंट्रोवर्ट वाला ट्रेड भी अब मेरे अंदर आना शुरू हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स। ओके, दिस इज ऑर्गेनिक लिप बाम, बट इसमें अच्छा कलर आ जाता है, सो आई अप्लाई दिस। आई रियली डोंट नो व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो, इस वीडियो पे कुछ भी व्यूज नहीं आने वाले, बट मेरे को मन हो रहा है। सो यार, एक सजेशन और एंड में देना चाहूंगी कि आप किसी एक ऐसे फ्रेंड को चूज करो जो आपको ऑलवेज मोटिवेट करे कि आगे बढ़ना है लाइफ में। लाइक मैं एक लड़की का नाम फिर से यहाँ पे लेना चाहूंगी, कृति। शी इज ऑल टाइम माई मोटिवेटर। जब भी आई फील लो शी ऑलवेज लाइक हेल्प्ड मी कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। सो यस, गो अहेड। एंड ऐसे लोगों के साथ में रहो जो आपको बहुत ज्यादा
मोटिवेट करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इंस्टीड ऑफ पुलिंग यू डाउन. ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी मत रहो, दोस्ती सबसे करो, बात सबसे करो. एक ऐसी एज है मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आता है टू होम वी शुड टॉक, लाइक अपने बारे में, फिर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में. इवन दो हमारे लाइफ में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बट ओवर थिंकर के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाती है. मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट समटाइम्स आई डोंट नो कि मेरे खुद ही इमोशन कैसे हो जाते हैं. सो फिर मुझे अपनी फ्रेंड को कॉल करना होता है एंड आई ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प. यस, दिस इज माई सजेशन. सो आई एम ऑलमोस्ट डन, लाइक एक बेसिक मेकअप तो मेरा हो ही चुका है. या दिस इज फॉर दिस वीडियो. इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. हैप्पी 300. यू आर माई फेवरेट पीपल. थैंक यू सो मच.